और अब जरा दिल थाम लीजिए, हम सुनेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसको पर्दे पे देखकर ही दिल उछलने लग जाता है। वो है हमारे राकेश बेदी साहब। वो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं आप सबसे मिलने का, तो मैं दावत देता हूं राकेश बेदी साहब को। बेदी साहब, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार रवि जी, नमस्कार जितने भी पैनल के लोग बैठे हैं सबको मेरा सलाम प्रणाम। और ये बड़ी अच्छी मुहिम आप लोग चला रहे हैं, देव साहब को जो आप याद कर रहे हैं। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से FTIA पुणे से बॉम्बे आया था, वहां से एक्टिंग का कोर्स किया, फिर मैं बॉम्बे आया। वहां तो देव साहब शुरू में फिल्म इंस्टीट्यूट जो कि तब प्रभास स्टूडियो था वी शांताराम जी का, वहां पर नौकरी करते थे जब वो नए नए आए थे। तो कुछ महीने वहां रहे थे फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में। तो जब मैं वहां गया तो मुझे तो मैं वो जगह ढूंढता था कि देव साहब, क्योंकि देव साहब का तो फैन था मैं देवानंद का, तो उनका मैं जगह ढूंढता था। अच्छा, यहाँ यहाँ बैठे थे इस फिल्म में, या यहाँ पर चलते होंगे, यहाँ से निकलते होंगे, ऐसी एक फीलिंग मन में आती थी। अरे वाह, मतलब मैं इस जगह पे हूँ जहां से देव साहब गुजरे हैं। क्या बात, मैं बड़ा अपने आप को प्राउड फील करता था क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन था उनका, कौन नहीं था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की डेट में जो आज के लोग हैं वो ऐसा किसी स्टार का स्टारडम इमेजिन कर ही नहीं सकते कि अगर देव साहब ने एक टोपी पहनी है तो सारी इंडिया ने वो टोपी पहन रखी है, अगर देव साहब ने एक नई बेल्ट पहनी है तो सारी इंडिया ने वो बेल्ट पहनी हुई है, अगर देव साहब ने एक तरह से एक फिल्म में एक अदा चलाई है तो हर आदमी उसी अदा से बात कर रहा है। तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले अंजलि जी ने कहा कि वो उन्होंने बहुत अच्छा बोला, मैं उनको प्रणाम करता हूँ अंजलि जी, यू स्पोक रियली वेल एंड आई वाज सो इमोशनल आल्सो। खैर, तो अब मैं अगले पॉइंट पर आता हूँ कि उसके बाद मैं आ गया बॉम्बे और यकीन मानिए जब मैं पेइंग गेस्ट जहां रह रहा था, मेरे साथ एक लड़का रहने को आया, हम 5-6 लोग साथ में रहते थे, उसमें डेविड धवन भी थे डायरेक्टर, रमन कुमार भी थे, एक बहुत बड़े कैमरामैन सुनील शर्मा वो भी थे, रमन कुमार जिन्होंने साथ साथ बनाई थी वो थे, और ये लड़का था दीपक आनंद जो कि देव साहब का असिस्टेंट डायरेक्टर था और ये हमारे साथ रह रहा था। तो मैंने इसको बोला, मेरा अच्छा दोस्त, अभी भी दोस्त है मेरा, रोज बात होती है उससे, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा दीपक मुझे देव साहब को मिलना है यार, मुझे देव साहब के साथ काम करना है, कुछ भी करके मेरी एक बार मीटिंग करा दे, एक मीटिंग करा दे फिर मैं अपने आप निपट लूंगा उनके साथ। तो अच्छा दोस्त था, हम लोग साथ में कमरा शेयर करते थे, रहते थे 5-6 लोग साथ में रहते थे, 3-4 बड़े कमरे का हमारा घर था, 5-6 लोग रहते थे, पेइंग गेस्ट थे। तो मुझे वो ले गया देव साहब से, और मैं ये जो आपको बात बता रहा हूं, पता नहीं काफी लोगों को शायद नहीं पता हो, देव साहब का जो ऑफिस था और सालों साल था, ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए था, सालों साल एक ही ऑफिस था जिसको नवकेतन के ऑफिस जो मशहूर था, ये अपना सांता क्रूज में खीरा नगर एक एरिया था उसके अंदर था वो उसकी सीढ़ियां बहुत ऊंची थी, सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी ऑफिस जाने के लिए, और सीढ़ियां इतनी ऊबड़ खाबड़ थी कि उनकी देव साहब ने कभी रिपेयर ही नहीं कराई। मतलब एक नॉर्मल आदमी अगर उस सीढ़ी पे चढ़ेगा, मतलब एक बहुत सारी सीढ़ियां थी, मेरे ख्याल 60-70 सीढ़ियां थी, यू नो, और एक ही फ्लोर था, ऐसा नहीं कि 60-70 सीढ़ियां, एक स्लैब आया फिर दूसरा आया, जो घूम रहे हैं आप सीधा यूं मेरा हाथ देख रहे हैं, यूं ऐसे ऊपर जा रहे हैं आप। तो और वो टूटी फूटी थी और देव साहब रिपेयर नहीं कराते थे उसकी, क्यों? क्योंकि देव साहब को मजा आता था उस पे चढ़ने के लिए, वो यूं फुर से चढ़ जाते थे और फुर से उतर जाते थे, और उनके दफ्तर अगर कोई नया आदमी आया तो एक बार उस सीढ़ी से गिरता ही गिरता था, लेकिन वो कभी नहीं गिरे, कभी भी नहीं गिरे, क्योंकि वो इतनी फुर्ती थी उनके अंदर कि पूछे मत। तो खैर, मैं उस सीढ़ी से उनको मिलने गया और मेरी मुलाकात हुई,
और अभी आपको सुनील जी ने मैसेज भेजा थोड़ी देर पहले, मैंने सुना, तो सुनील आनंद की जो पहली फिल्म थी जो देव साहब ने बनाई, मेरा उसमें बड़ा अच्छा रोल था, मैं उस फिल्म में था आनंद। उसके बाद भी मैंने 3-4 फिल्में और की देव साहब के साथ। एक खास आपको बात बताता हूं, मैं आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूं जो बाकी सब बातें तो लोग जानते ही हैं कि उन्होंने कौन सी फिल्म की, कब की, कौन से गाने थे सब, लेकिन मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक दो बातें बताता हूं कि मुझे देव साहब का जब फोन आता था, मैंने कहा 3-4 पिक्चरें की, मतलब मेरी ट्यूनिंग हो गई उनके साथ, तो मुझे फोन आता था, फोन मैं ऐसे उठाता था तो आवाज आती थी, हेलो राकेश, देव हियर। बीच में कोई सेक्रेटरी नहीं, उनकी एक वो रिसेप्शनिस्ट थी मिस डिसूजा, वो नहीं, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं, कोई प्यून नहीं, कोई दूसरा आदमी नहीं, कोई प्रोडक्शन का आदमी नहीं, खुद फोन करते थे खुद। इतना बड़ा आदमी, मतलब सामने वाले का सीना चौड़ा हो जाए, और नाम नहीं भूलते थे, नाम सबके याद रहते थे। मैंने जब मैंने फोन उठाया, राकेश, मैंने कहा यस सर, एक फिल्म बना रहा हूं, करेगा तो हाँ कर, नहीं करेगा तो ना कर, बोल करेगा या नहीं करेगा, बोल करेगा, करे करेगा तू, करेगा नहीं नहीं करेगा, करे करेगा तू, करेगा तू, करेगा तू, कल आ जा, तू कल आ जा, बाय बाय। ये स्टाइल था। तो अभी उन्होंने कोई चॉइस छोड़ी ही नहीं आपके लिए कि तू करेगा या नहीं करेगा, उन्होंने खुद ही बोल दिया, पहले पूछा तू करेगा या नहीं करेगा, फिर खुद ही बोल दिया तू करेगा, और तू करेगा, तू ही करेगा, तू कल आ जा। ये उनका उनका प्यार था। और मजाल है कि कभी छोटा या बड़ा एक्टर उसमें उन्होंने कोई डिफरेंशिएट किया हो सेट के ऊपर कि साहब ये एक बहुत बड़ा स्टार आ गया तो मैं किसी दूसरे एक्टर को भूल जाऊं, नहीं, सबको एक जैसी अटेंशन, सबको एक जैसा सम्मान, और बहुत ज्यादा मतलब सबकी इज्जत करना। और एक बात और मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। आज उनका जन्मदिन है, हम मना रहे हैं सब, लेकिन देव साहब ने अपना खुद का जन्मदिन नहीं मनाया, वो अपना जन्मदिन मनाने से कतराते थे। उनको लगता था कि अरे यार जन्मदिन क्या मनाना है, एक साल और निकल गया जिंदगी का, ये सेलिब्रेट करने की कोई इसमें वो बात नहीं है, ये तो अफसोस की बात है कि एक साल और निकल गया। वो इस तरह की, क्योंकि वो कर्मयोगी थे, उनको था कि मेरा जो काम का, जो मेरा जितना काम मैंने जिंदगी में करना है, जो मैं लेकर आया हूं, सोच कर आया हूं कि इतना काम मैंने करना है, उसमें से मेरा एक साल कम हो गया। ये उनका एटीट्यूड था अपने जन्मदिन का, यू नो, बहुत कम ऐसा है। आप कभी आपने आप देखिए उठा के, आपको कहीं कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि देव साहब ने अपने जन्मदिन पे बर्थडे पे कोई पार्टी थ्रो की हो, या पूरी इंडस्ट्री को बुलाया हो। बाकी जितने भी लोग थे सब करते थे, जितने बड़े बड़े स्टार, सबने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया, लेकिन देव साहब ने कभी नहीं किया। बल्कि महाबलेश्वर में एक होटल था, महाबलेश्वर जो बॉम्बे के पास एक हिल स्टेशन है, वहां पर एक बड़ा अच्छा होटल है, और देव साहब की फिक्स चीजें थी, और उनका होटल भी अगर फिक्स है तो वो कम से कम 50 साल तक फिक्स है। ऐसा नहीं कि एक बार वहां जाएंगे और वो अगली बार भी वहीं जाएंगे और वही स्टाफ उनको मिलेगा। जैसे उनका सरन सैंड में रूम, यहाँ पर एक सरन सैंड होटल बॉम्बे में है जू बीच पे, वहां उनका रूम बुक था, तो वो सालों साल बुक था, रूम बुक था, वही रूम बुक था। स्क्रीन के पेज, स्क्रीन जो मैगजीन आती थी हर बुधवार को आती थी, उसमें उनका एक एड थर्ड पेज फिक्स था, हर बुधवार को देव साहब का एक पेज आता था, मतलब आई थिंक फॉर मे बी 40 ऑड ईयर्स। तो अपने हर जन्मदिन पे वो महाबलेश्वर चले जाते थे ताकि कोई उनको ट्रैक ना कर पाए, और उन दिनों मोबाइल तो था नहीं, एक बार बॉम्बे से निकल गए तो निकल गए, देन यू कांट ट्रेस इट, यू नो। तो इसलिए जाते थे कि यार मेरा जो काम का जो पीरियड है, जितना काम मैंने जिंदगी में करना है, उसमें से एक साल कम हो गया, तो मेरे लिए ये थोड़ी सी वो ऐसा सोचते थे कि नहीं यार, ये आई एम फीलिंग बैड कि मेरा थोड़ा वक्त कम हुआ है काम करने का। और मैंने उनके साथ कई पिक्चरें की, एक पिक्चर मैंने गैंगस्टर की उनके साथ, जिसकी मैंने शूटिंग यूरोप में की। उसका बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूं। जब मैं यूरोप में था, कई देशों में शूटिंग की, बेल्जियम में की, एक शायद पेरिस में भी की, और एक छोटा सा शहर देश है लग्जमबर्ग, अगर आपने सुना हो, छोटा सा देश है बहुत,
लक्जमबर्ग नियर बेल्जियम, उस देश में भी हमने शूटिंग की। तो वहां पर जाकर मुझे ऐसा पता चला कि मुझे कुछ अर्जेंट काम के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा, अगर मुझे देव साहब छोड़ दें तो। यहाँ पर भी कुछ शूटिंग थी तो मैंने देव साहब के कान में बड़े डरते डरते ये बात डाली कि सर क्या आप मुझे मेरा काम जल्दी खत्म कर सकते हैं ताकि मैं वापस इंडिया जाके दूसरा काम कुछ करूं जो मेरे अटका हुआ है। किसी की फिल्म अटकी हुई थी फॉर रिलीज, तो वो एक बड़ा अर्जेंट काम होता है हर एक्टर के लिए कि जो पिक्चर अटकी हुई है रिलीज पे है उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, अभी भी देनी पड़ती है इस तरह से। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर ऐसे ऐसे अगर आप छोड़ देंगे, तो वो पंजाबी में बात करते थे, पंजाबी थे, तो बोले कड़ी फिल्म है यार, कड़ी फिल्म है मनदास, कड़ी फिल्म है। मैं कहा सर ये फिल्म, ओ अच्छा अच्छा, तेरा अच्छा रोल है, चंगा रोल है। मैं कहा हाँ, छोड़ दें तुम। मैं कहा सर अगर आप छोड़ दोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी। चल छोड़ देता जबरदस्त। अभी अभी जो मजेदार बात है वो ये कि मेरा लास्ट शॉट था वो जो लक्जमबर्ग जो देश मैंने बताया है उसमें मेरा लास्ट शॉट था, शाम का वक्त था, मुझे अभी भी याद है, 6 बजे पैकअप, और आज मेरा पैकअप हो जाएगा, कल मेरी फ्लाइट है वापस बॉम्बे जाने की, आई थिंक शायद बेल्जियम से, ठीक है बेल्जियम से। तो देव साहब का कैमरा पहाड़ी पे था और पहाड़ी से नीचे सीढ़ियां थी और काफी ऊंची पहाड़ी थी और मेरा, मैं नीचे खड़ा था, कैमरा ऊपर था, पहाड़ी के ऊपर था, मैंने शॉट दिया, मेरा लास्ट शॉट हो गया, तो देव साहब वहां से जोर से चिल्ला के बोले पहले स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, बाद में जब हो गया बोले ओके खड़े राकेश, राकेश यू कैन गो। अब वो वहां से चले सीढ़ी से, मतलब मुझे बाय बाय करने के लिए ताकि मुझसे हाथ मिला लें, यू नो, कोई दूसरा आदमी होता तो उधर से बाय बाय कर देता, कोई दूसरा डायरेक्टर होता तो वहीं से बाय बाय कर देता। शाम का वक्त था, उनका एक तो शॉट और बाकी थे, लाइट जा रही थी, उस आदमी की ग्रेटनेस देखिए, उसने ये सब इग्नोर किया, उसने कहा नहीं मेरा एक्टर जिसने मेरे साथ कॉपरेट किया है यहां पर आया है मेरे साथ काम कर रहा है ये अभी जा रहा है, इसको मैं पर्सनली विश करूं। वो वहां से सीढ़ी से आए, अभी खत्म नहीं हुआ कि सब मजेदार है, थोड़ा सुनिए आगे। तो जब सीढ़ी से नीचे आए, नीचे आके उन्होंने कहा चल तेरा पैकअप, तूने बोला ना छोड़ दे, मैंने छोड़ दे, चल तू जा, तू जा राकेश, तू जा, तेरा काम बाकी मैं इंडिया में कर लूंगा, तू जा, चल मेरा हाथ मिला मुझसे। अब उन्होंने यूं हाथ आगे किया, बोला मिला सकता है तो मिला, ये लाइन उन्होंने बोली, मुझे भी याद है, मिला सकता है तो मिला, ये हाथ आगे बढ़ा, मुझे समझ नहीं आया क्या इसका क्या मतलब है, ये क्यों कह रहे हैं कि मिला सकता है तो मिला। उन्होंने हाथ आगे किया और मैंने हाथ पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने अपना हाथ घुमाना शुरू किया ऐसे 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 ऐसे, मैं उनका हाथ पकड़ ही नहीं पाया, मैं नहीं पकड़ पाया, और बाद में खुद ही मेरे कंधे पे हाथ रखा, बोला मैंने क्या कहा था, हाथ मिला सकता है तो मिला। सो दिस वॉज द स्पिरिट, इस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ जी। खैर मेरे पास किस्से और भी है लेकिन कभी फिर मौका लगेगा तो शेयर करूंगा, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा आज उनकी बात करके। लेकिन मैंने आपको, हम लोग सेलिब्रेट उनको कर रहे हैं, हम लोग याद कर रहे हैं, लेकिन देव साहब ने अपना जन्मदिन को मैं खुद ही करते होंगे, आई एम श्योर अपने कमरे में करते होंगे, बच्चों के साथ करते होंगे, लेकिन पब्लिकली उन्होंने कभी ऐसा रिजॉयस नहीं किया कि अपने जन्मदिन को रिजॉयस। बहुत बहुत धन्यवाद।